अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज़ करते हैं या फिर ओप्पो का डिवाइस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 4G वोल्टी नेटवर्क का बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा इशू जो है देखने को मिलता है। नॉर्मली आप यूज़ कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको वोल्टेज का ड्रॉपेज भी देखने को मिलता होगा अपने फ़ोन में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। कभी कभी प्रॉपर नेटवर्क रहता है, कभी कभी वोल्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, वोल्टी का अगर सिचुएशन आपके डिवाइस में ज़्यादा हो रहा है तो मैं कुछ यहाँ पे सेटिंग्स जो है डिस्कस करने वाला हूँ। आप इन सेटिंग्स को ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको नेटवर्क रिलेटेड इशू आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाया गया है, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप रियलमी या फिर ओप्पो का कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको यहाँ पे वोल्टी नेटवर्क का इशू देखने को मिल रहा है तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करना होगा कि आपके मतलब एरिया में कौन सा ऑपरेटर बेस्ट चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी सर्विस भी बेकार होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कैसे ये पता चलेगा कि हाँ वो सर्विस आपके एरिया में सही है या फिर नहीं है। देखिए, आपको पर्टिकुलर 2 से 3 डिवाइस में उसी ऑपरेटर को यूज़ कर लेना है। लाइक दैट, अगर जैसे मेरे पास जियो का सिम है यहाँ पे, ठीक है, और जियो का ऑपरेटर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और 2 से 3 डिवाइस में और मैं यहाँ पे मैं जियो का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, उन सभी डिवाइस में नॉर्मल नेटवर्क है, नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ प्रोसेस हो रही है। लेकिन मेरे पास पर्टिकुलर जो फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, रियलमी हो या ओप्पो हो, उसमें अगर पर्टिकुलर किसी एक फ़ोन में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इन सेटिंग्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है कभी कभी होता है ना कि नेटवर्क का भी इशू होता है तो उस केस के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि नेटवर्क जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मली आप फ़ोन में क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एप्लीकेशन में चले जाना है। और एप्लीकेशन के में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलता है, इस पर सिंपल टैप करना है, सो सिस्टम पे टैप करना है और आपको यहाँ पे सर्च कर देना है इंजीनियर नेटवर्क को, ठीक है। इस तरीके से आपको इंजीनियर नेटवर्क सर्च करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको स्टोरेज यूजेस को एक बार यहाँ पे क्लियर करना है इस तरीके से, ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये बैक आना है और ये देख सकते हैं पूरा तरीके से ये यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आपको करना क्या होगा, एक चीज़ और करनी है आपको, सेटिंग में आना है वापस से। मान लीजिए मैं फिर से आपको सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सेटिंग में आना है, ये देख सकते हैं सेटिंग में हम आए, और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग के बाद नीचे आना आपको बैकअप एंड रीसेट पे, ठीक है। बैकअप एंड रीसेट पे आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको रीसेट फोन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली कौन सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कभी कभी आपके डिवाइस में कुछ ऐसी सेटिंग्स हो जाती है जो कि यहाँ पे आप जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो सेटिंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन सेटिंग्स को रीसेट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है नहीं तो आपका फ़ोन फॉर्मेट हो सकता है और फ़ोन फॉर्मेट होगा तो आपका डेटा जाएगा, तो इस चीज़ से बचना है आपको, ठीक है। करने से पहले इस चीज़ को आपको क्रॉस चेक जरूर से करना है कि आप किस चीज़ को यहाँ पे रीसेट कर रहे हैं। आपको सिंपल यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग करना है, ये देख सकते हैं, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे सिंपल आपको इस तरीके से कर लेना है। जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इसको सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको रीसेट इरेज ऑल डेटा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इरेज ऑल डेटा करते हैं तो आपका यहाँ पे जो नेटवर्क ये पूरा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नेटवर्क सेटिंग रीसेट करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वही खाली रीसेट होगा, ठीक है, बाकी और कोई चीज़ रीसेट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो इसके लिए आप खुद से अपने मतलब कह सकते हैं आप खुद से जिम्मेदार हो सकते हैं उसके लिए, क्योंकि भाई आपका डेटा जा सकता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये करना है कि आपको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए, ठीक है, ज़रूर से। बाकी ये देख सकते हैं, इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको अपने डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ कर लेना है, देख सकते हैं हो गया। आप स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है और आपका एरिया का नेटवर्क अगर सही होगा तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। वोल्टी का अगर कोई समस्या है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। तो होपली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।